नमस्कार, मैं हूँ अनुपमा नंदी एंड आई एम दैट लकी पर्सन जिनकी बेबी गर्ल डॉक्टर सविता अरोड़ा जी के हाथों से हुई। मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी, काफ़ी लोगों ने मुझे उनके बारे में रिव्यूज़ दिए कि शी इज़ अ वंडरफुल डॉक्टर, यू कैन ट्राई गोइंग देयर एंड आई हैव अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर सविता अरोड़ा जी। इतनी छोटे छोटे डिटेल्स को इतने ध्यान से देखती हैं, बिल्कुल इरिटेट नहीं होती है पेशेंट कैसा भी बिहेव कर रहा हो, अपने प्रोफेशन में इतना उनको जानते हैं लोग। शी इज़ सो वेल प्रोफेशन इन अ प्रोफेशन एंड इन सारे चीज़ों के साथ साथ शी इज़ अ ब्यूटिफुल पैकेज बिकॉज शी इज़ नॉट ओनली अ वेल नोन पर्सन इन अ प्रोफेशन, शी इज़ ऑल्सो सो वेल मेंटेन एंड सो ब्यूटिफुल। तो हम प्रेगनेंट लेडीज जब मोटे हो जाते हैं एवरी स्टेज में, तो डॉक्टर सविता अरोड़ा इज़ अ ब्यूटिफुल मोटिवेशन फॉर अस कि हम लोग को वापस डॉक्टर सविता अरोड़ा जी से ऐसा होना है। सो beautifully fit, so beautiful and such a well-known person in a profession. In fact, I would also talk about Dr. Rajesh Arora ji. मेरे पापा को कुछ urology problem हुआ था मुंबई में, he was admitted in the hospital and after 2 years when he came back, उनको फिर से काफ़ी serious problems हुई. Everybody advised me to admit him in the hospital because he's also 85 years old, but somebody told me you can try talking to Dr. Rajesh Arora also, he's also a urologist. उनके पास गई, उनको जानती नहीं थी मैं पर्सनली, और मैंने उनको रिक्वेस्ट सिर्फ इतना किया था कि डॉक्टर साहब मैं एडमिट नहीं करना चाहती हूँ पापा को, क्योंकि उनकी इतनी एज है वो घर के एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं। ही प्रॉमिस्ड मी कि आई गिव यू मेडिसिन, आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड, आज 3 ईयर्स हो गया डॉक्टर साहब कि मेडिसिन से टच पर मेरे पापा अभी तक ठीक चल रहे हैं। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेश अरोड़ा जी एंड डॉक्टर सविता अरोड़ा जी, एंड ऑल्सो वेरी थैंकफुल फॉर अ ब्यूटिफुल हॉस्पिटल इन लखनऊ लाइक आस्था, जहाँ पे स्टाफ इतने वेल बिहेव्ड है। डॉक्टर साहब तो है बहुत ही अच्छी है, बहुत डॉक्टर राजेश अरोड़ा जी एंड सविता अरोड़ा जी लाइक गॉड टू मी। एंड आस्था इज़ लाइक अ टेम्पल जहाँ पे स्टाफ नर्सेज ऑल सो वेल बिहेव्ड, एवरीथिंग इज सो गुड अबाउट इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच आस्था, थैंक यू।